पर क्वेश्चन नंबर 3 है। दिए गए अंतराल स्वरूप को मानांक तथा सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित करो। ठीक है, कर देंगे। किस तरह से करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, उसके बाद हमको पता चल ही जाने वाला है। तो यहाँ हमको एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पहले डायरेक्टली 3 ले रहे हैं क्योंकि माइनस वाला है और बाकी सब प्लस वाले, तो 3 और 4 हम यहाँ करेंगे। 3 -0.4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1.4। ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन हमको जब दिया है, ये हमारा कौन सा स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है, अंतराल स्वरूप। दो संख्याएं अगर हमारे पास में दी हुई हैं साथ में, इट मीन्स हमारे पास ओ बी लेस देन इक्वल, यानी हमारे ये वैल्यूज बताता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है हमारे पास। तो ये हमारा किस तरह से हो सकता है, तो मैं इसको मानांक स्वरूप में, पहले अंतराल स्वरूप में लिखूंगा, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। हमको ए और डेल्टा फाइंड आउट करना है कैसे भी, और वो मिलेंगे तभी हम दोनों स्वरूपों को ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए माइनस डेल्टा, हमारे पास वैल्यू है, तो ए माइनस डेल्टा की कीमत है माइनस का 0.4, ए प्लस डेल्टा की कीमत भी हमारे पास है 1.4 है। अब क्या करेंगे हम, लोप की रीत एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमको इस तरह का दिया हो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये कट हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कट हो जाएगा। ए और ए हमारे पास आएगा 2a। अब इसका देखेंगे तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा हमारे पास में, 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, देखो 1.4 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। और 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 0.5। तो ए हमको मिल गया इतना। अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा हमको क्या करना, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं। ए प्लस डेल्टा हमने लिया, 1.4 होता है, तो ए की वैल्यू है 0.5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.5, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.9 हमारे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे करेंगे। हमारे पास ए मिल गया और डेल्टा मिल गया, ए और डेल्टा। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे कोई भी स्वरूप को निकाल सकते हैं, जैसे कि मानांक स्वरूप हम पहले बात करते हैं। तो मानांक स्वरूप किस तरह से होता है हमारा, एक्स माइनस ए और लेस देन डेल्टा। तो एक्स हमारे पास एक्स रहता है, ए हमारे पास 0.5 है और डेल्टा हमारे पास 0.9 दिया हुआ है। तो ये हमारा मानांक स्वरूप हो गया। अब हम देखेंगे सामीप्य स्वरूप को, तो सामीप्य स्वरूप भी हमको दे दिया है, एन ए और डेल्टा। तो एन हमारे पास एन रहेगा, ए हमारे पास है 0.5 जो कि हमने फाइंड आउट किया था, और डेल्टा है 0.9। तो इस तरह से हमारा सामीप्य स्वरूप और मानक स्वरूप निकल जाएगा। इसमें से हम एक और कर लेते हैं, जो प्लस का है हमारे पास, 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसी का हम 4th कर रहे हैं, तो वहां पर लिखा हुआ 1.998 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2.002। इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना, ए और डेल्टा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंतराल स्वरूप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतराल स्वरूप ही है, ऊपर ये हमारा अंतराल स्वरूप होता है। तो हमको एक एक इक्वेशन को चूज़ कर लेना है। ए माइनस डेल्टा, उसकी कीमत हमको पता है क्या है, 1.998। दूसरा क्या है, ए प्लस डेल्टा, उसकी कीमत क्या है, 2.002। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कट हो जाएगा, ए और ए 2a, हमेशा ये दोनों प्लस माइनस में होंगे तो कट कर ही देना है हमको। अब इसका करेंगे 2, 1, 3, इसका करेंगे तो 4,
तो ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, और ए इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 2। अब इस 2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में, ज़्यादातर हो सके तो प्लस वाला जो उसमें रखना है कि हमको कोई तकलीफ ना पड़े। 0.2.002, ए हमको पता है 2 है, डेल्टा 2.002। अब डेल्टा फाइंड आउट करना है तो 2.002 - 2, सो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 0.002। ए मिल गया, डेल्टा मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, मानांक स्वरूप और समीपी स्वरूप भी लिख सकते हैं। मानांक स्वरूप हमारा किस तरह का होगा, एक्स माइनस ए और लेस देन डेल्टा। एक्स हमको नहीं पता होता, ए हमको पता है 2, तो वो लिखेंगे, डेल्टा हमको पता है 0.002। अब हम समीपी स्वरूप भी लिख सकते हैं, एन ए और डेल्टा, एन हमको नहीं पता होता, ए कितना है 2, डेल्टा कितना है 0.002। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सामीप्य स्वरूप हो गया और मानांक स्वरूप हो गया। हमने तीनों प्रकार की चीज़ों को हमने देख लिया है यहाँ पर। तो इसमें हम होमवर्क की बात करें तो कुछ कौन कौन सा 1 एंड 2 कर सकते हैं, और ज़्यादा हम बात करें तो हमको एक एग्ज़ाम्पल 4 दिया है, ये थर्ड के 1 एंड 2 है और एग्ज़ाम्पल 4 है हमारे पास में, वो इसी का है, तो वो भी हमें ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ दो चार एक शॉर्ट क्वेश्चंस और भी हैं।